मॉर्निंग वाला दिन आज आप लोग को क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का लास्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हेल्प से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हेल्प से यानी उसके फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के बीच लाइक और कमेंट जरूर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है बाबू, एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एग्जाम्पल के हेल्प से मैं बताता हूँ कि किसमें क्या बोले। फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ही होंगे और फॉर्मूला मैंने पढ़ा दिया है। तो क्वेश्चन के लिए लिखिए, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा एंड y इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। देखिए बाबू कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिए एक्स इक्वल टू क्या है ए साइन थीटा और प्लस क्या है बी कॉस थीटा। स्क्वायर इज नॉट साइड कर दें बोथ साइड तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का क्या है होल स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसके लिए सवाल मान लेते हैं बाय इक्वल टू क्या है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा adding equation 1 and
इक्वेशन जो बी गेट जब ऐड करेंगे आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फिर सेकंड बाय वाले को लिए इसको स्क्वायर किए ए माइनस बी के द्वारा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर फिर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को क्या किए ऐड कर दिए क्या कर दिए बाबू ऐड कर दिए जब इक्वेशन वन प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ कर दिए प्लस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है एक साथ कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो डी स्क्वायर की कॉमन निकल गया तो क्या रिमाइंडिंग रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम जानते हैं क्या जानते हैं सबने यहाँ का साइन दे दिया तो ए स्क्वायर इंटू वन जो बी स्क्वायर गुना वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फार्मूला को हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फार्मूला के हेल्प से मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एलिमिनेट कर दिया साइन कॉस को एलिमिनेट कर दिए तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलिमिनेट हो गया ना कितना इजी था तो समझ गए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू इफ एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू टी टैन थीटा वाई इक्वल टू जी टैन थीटा एक्स इक्वल टू क्या है साइन थीटा प्रूव दैट Prove that a square upon x square minus b square upon y square equal to 1. क्या प्रूव करके लाना है बाबू 1 प्रूव करके लाना है
देखिए क्या सब कुछ करेगा आप लोग, कर लीजिएगा बता देना। एक सिक्वल क्या है, साइन थीटा है, देखिए ए वाई एक उधर लाके डिवाइड कर दीजिए तो साइन थीटा आ जाएगा और इसको रिवर्स कर दीजिए और ए वाई एक्स कर दीजिए, वन बटा साइन थीटा हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे और स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड ए वाई एक्स का जाएगा और स्क्वायर इक्वल टू कॉस का स्क्वायर थीटा ये है आप लोग नाइन मत समझ रखिएगा, ये है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया कॉस का स्क्वायर थीटा। एक इक्वेशन और मान लिए वाई इक्वल टू क्या था बी टाइम थीटा था, तो y अपॉन b इक्वल टू tan थीटा लिखोगे बाबू, अब ध्यान दो b अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा लिखोगे और इक्वल अपॉन tan थीटा क्या देता है cot थीटा देता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड बी बटा बाय का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको इक्वेशन टू मान ले, अब देखिए इक्वल टू
सेकंड नंबर क्वेश्चन की जवाब हो ए सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू एम सो दैट एम स्क्वायर वन बटा एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू साइन थीटा चलिए क्वेश्चन बना के ध्यान से आइएगा
equal to n and a sin theta minus b cos theta. Equal to n from that m star plus n star equal to a star plus b star. ये प्रूव करते हैं ना बाबू, चलिए हमारा नंबर क्वेश्चन यही रहता है. Is tan theta equal to a upon b, so that a sin theta minus b cos theta divided by a sin theta plus b cos theta theta plus b cos theta equal to a square minus b square a square plus b square. एक क्वेश्चन भी कर लीजिएगा बाबू. और क्वेश्चन है बाबू अपने के लिए इम्पोर्टेंट है. कितना बना लीजिएगा, जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा. मैं फिर से इसको रिपीट कर दूंगा. और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिया हूँ. लगभग क्वेश्चन मैंने क्या करवा दिया हूँ, दे दिया हूँ आप लोगों को करने के लिए. जो नहीं आएगा उसको मैं बता दूंगा. थैंक यू ऑल द बेस्ट.